आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं आपका छोटा नाजिम भाई सऊदी अरब दम्मा में मैं जॉब करता हूं। तो मैं कुछ सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूं, जो रात को मैं वीडियो बनाया था, आप लोग देखे ही थे दोस्तों। तो सऊदी अरब में कर्फ्यू लग गया दोस्तों, कर्फ्यू लगा है कोई कोई एरिया में जो 24 घंटा लगा है दोस्तों। तो आप लोग जहाँ भी जॉब करते हैं सऊदी अरब में, उसका पालन कीजिए दोस्तों। सऊदी अरब में जो जानते हैं महामारी जो चल रहा है, वो थोड़ा बढ़ावती हुआ है। इस कारण यहाँ के गवर्नमेंट सख्त कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा है। इसमें गैर मुल्की जो यहाँ का मुल्क है, यहाँ का आवाम है, उनका सुरक्षा को देखते हुए सब कदम उठाया गया है दोस्तों। कुछ कुछ ऐसा शहर है जिसमें आपको कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन 24 घंटे, जो 24 घंटे में भी सख्त है। उसमें आपको सामान लेने के लिए निकलेंगे दोस्तों तो कोई मुश्किल नहीं है एक आदमी के लिए, ठीक है दोस्तों। एक आदमी के लिए आपको सुबह के 6 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर में आप एक आदमी जाइए बकाला से सामान लीजिए, और भी अपने नज़दीकी कभी दूर नहीं जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब आपका जो एरिया है उससे दूर ना जाए, ठीक है, उसके एरिया में जाइए, आप वहाँ से जल्दी सामान लेकर चले आइए, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बकाला, दवा का दुकान, पानी का जो टैंकर होता है सब चालू है, ठीक है। जो जॉब संबंधित बेफालतू को आप इधर उधर ना घूमें दोस्तों, इससे आपका भी, अगर इधर उधर घूमेंगे तो इससे आपका भी नुकसान है, जो यहाँ का वासी है उनका भी नुकसान है। तो ये सब हम लोग आवाम सबका देख कर ही सब फैसला उठाया गया है दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये लोग, आप लोग जहाँ भी हो आप लोग एक बार पता कर लें। सऊदी अरब में हर एक हर जगह नहीं लगाए कर्फ्यू, ठीक है, 24 घंटा हर एक जगह नहीं लगाए, कोई कोई एरिया में 3 बजे से, किसी एरिया में 7 बजे से। वो दम्मा में भी पहले था 3 बजे, शाम को 3 बजे से लेकर सुबह का 6 बजे तक, तो उसी को बढ़ाकर अभी 24 घंटा कर दिया गया है। 24 घंटा आप घर में बैठे रहे, काम कोई नहीं, ठीक है। अगर आपका खाना नहीं है, ये नहीं कि आप खाना लेने नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बस सिंगल आदमी आपकी नज़दीकी बकाला में जाइए, नज़दीकी जो दुकान है उसमें जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और सिंगल जल्दी जाइए, जल्दी लेकर आ जाइए, ये नहीं कि आपको घर में कैद है, आपको खाना पीना नहीं मिलेगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अफवाह में मत रहे, आपको सब नज़दीकी दुकान में जाके ले सकते हैं, लेकिन सिंगल आदमी, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बताऊँगा आप लोग कौन कौन एरिया में है, तो मैं स्क्रीन शॉट भी बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ कौन कौन जगह पे कर्फ्यू लगा है दोस्तों, मैं बता दूँ दोस्तों। सबसे पहले रियाद, ठीक है दोस्तों, रियाद में कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर रियाद में आप रहते हैं तो अगर आपको कुछ सामान लेना है तो सुबह के 6 बजे से लेकर 3 बजे शाम को अंदर में जाइएगा, और सामान ले अकेले जाइएगा, ग्रुप में नहीं जाइएगा, 2 आदमी 3 आदमी नहीं जाइएगा। अगर जाइएगा 2-3 आदमी से तो आपको मुखालफा भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकता है। नियम का फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, अच्छा से कीजिए दोस्तों। और तबुक में, तबुक एक जगह है सऊदी अरब के, तबुक में, दम्मा में मैं रहता हूँ, दम्मा में भी है, तहरान में भी है, जद्दा में भी है, ठीक है, तैफ में भी है, तैफ, ठीक है दोस्तों, तैफ, कतीब मेरे बगल में, ये कतीब, खोबर, खोबर में, इस जगह पे लगा हुआ है। और आप कौन सा एरिया में रहते हैं, और आपके कौन सा एरिया में रहते हैं सऊदी अरब में, अगर सऊदी अरब से वीडियो देख रहे हैं, आपके एरिया में कर्फ्यू लगा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों सेफ रहिए, इससे बाहर निकलने से सब फैलता है। तो जानते ही हैं जो गवर्नमेंट कदम उठाते हो हम लोग के लिए, जितने आवाम है उनको सुरक्षा के लिए, तो आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पिए नज़दीकी जाकर दवा लेना है, दवा का दुकान रहेगा, खाना लेना है तो बकाला रहेगा, सब चीज़ में आपको जाकर ले सकते, लेकिन सिंगल ज़्यादा इधर उधर ना घूमें दोस्तों, और रूम में रहें, खाए पिए रूम में रहें दोस्तों। और ये कितने दिन तक रहेगा अभी कन्फर्म नहीं मालूम है, जैसे ही मालूम होगा मैं आप लोग के वीडियो शेयर जरूर करूंगा, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि इतना दिन तक चलेगा, अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये यहाँ का ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया है, कौन कौन सा जगह लगा हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं, बताया नहीं गया है कितना दिन चलेगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जल्दी इसका समाधान हो, क्योंकि इससे सब लोग परेशान है दोस्तों, आम लोग जितने लोग हैं सब परेशान है, सब परेशान नहीं हुए, फिर से काम लें और अपने घर में रहें, और ऊपर वाले से दुआ कीजिए बस जल्दी ठीक हो जाए दोस्तों। मैं जैसे ही अपडेट कुछ नया आएगा सऊदी अरब से, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आप लोग से। जो भी नए आदमी जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना कमेंट में राय दीजिएगा क्या मैं कैसा मैं वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा, और आप जो एरिया में सऊदी अरब में रहते हैं दोस्तों, क्या आपके एरिया में लगा हुआ है कि नहीं 24 घंटा, और कितने घंटा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भाई होते हैं, नए लोग होते हैं सऊदी अरब में जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता होता है, तो एक दूसरे से भी पूछ लेंगे, नहीं तो वीडियो देख कर पता चलेगा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में।